जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित राघव फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ। आईपीएल खत्म होने के बाद हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन वापस जुड़ गए हैं इंटरनेशनल मैचेस के रिजम्पशन के साथ। मैच है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, पहला वनडे मैच ढाका में। श्रीलंकन टीम पहुंची हुई है बांग्लादेश खेलने लिमिटेड ओवर सीरीज। मैच की बात करेंगे, टीम बनाएंगे एक स्मॉल लीग की, एक ग्रैंड लीग की, की प्लेयर्स की बात करेंगे, रिस्की प्लेयर्स की बात करेंगे और भी वीडियो में करेंगे बहुत सारी बातें। आपको अपडेट दूंगा कि कहाँ पे आप खेल सकते हैं लूडो और जीत सकते हैं डेली एक बड़ा प्राइज। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप ये करिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। सबसे पहले ज्वाइन करिए क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं मिलेगा। टॉस के बाद जो फाइनल चेंजेस होंगे इस टीम में, जो वीडियो में मैं देने वाला हूं आपको, उसमें जो बदलाव होंगे वो आपको वहीं मिलेंगे। उसके अलावा मैच से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको वहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद इस मैच के बारे में बात करते हैं। मैच है शेरे बांग्ला स्टेडियम ढाका में। ढाका का मिजाज कैसा है, मौसम कैसा है, पिच कैसी है? तो ढाका का मौसम गर्म है, पिच ड्राई है, मतलब बैट्समैन फ्रेंडली रहेगी, उसके साथ साथ स्पिन फ्रेंडली रहेगी। जो रॉ पेसर्स हैं लाइक ऑफ दुस्मांथा चमीरा या टस्किन अहमद हम कह सकते हैं, उनको मदद कम मिलेगी। लेकिन जो वेरिएशन पे डिपेंड है बॉलर्स, पेस बॉलर्स, खासकर आपका मुस्तफिजुर रहमान हो गए, उदाना हो गए, ऐसे बॉलर्स के लिए मदद है इस पिच में। तो ऑल इन ऑल एक बढ़िया कॉन्टेस्ट हो सकता है। दोनों टीमें काफी बैलेंस हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं बांग्लादेश के पास, फिर होम एडवांटेज है बांग्लादेश के पास। साकिब उल हसन की वापसी इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रही है और उसमें भी अहम बात यह है कि वो नंबर 3 बैटिंग करेंगे, तमीम इकबाल ने कंफर्म कर दिया है, और 10 ओवर का कोटा। तो काफी ऑल इन ऑल चीजें होने वाली है इस मैच में जो बढ़िया हो सकती है, एक अच्छा रोमांचक मैच बना सकती है। बात करते हैं इस मैच के लिहाज से की प्लेयर्स की, क्या की प्लेयर्स हो सकते हैं। देखिए, होम एडवांटेज बांग्लादेश के साथ है। क्यों है बांग्लादेश के साथ? क्योंकि मैच बांग्लादेश में है और अभी जो एक सेटल्ड टीम की बात करें तो श्रीलंका की जो टीम है उसमें काफी बदलाव सीरीज दर सीरीज हो रहे हैं, क्योंकि एक अनसेटल्ड टीम है बांग्लादेश। श्रीलंका ढूंढ रहा है एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, बढ़िया प्लेयर्स, लेकिन बांग्लादेश की जो टीम है वो कोर टीम उनकी 7-8 प्लेयर की लगातार लंबे समय से खेल रही है। साकिब, मुस्तफिजुर, आपका आपका मुशफिकुर रहीम, आपका तमीम इकबाल, तो ये एक लिटन दास जो एक कोर है, महमूदुल्ला, रियाद का आप नाम उसी में शामिल कर लीजिए, ये कोर लंबे समय से खेल रही है। तो सेटल्ड टीम है बांग्लादेश लिमिटेड ओवर्स की, वहीं श्रीलंका ढूंढ रहा है अच्छे प्लेयर्स और अच्छा कॉम्बिनेशन, तो एडवांटेज श्योरली बांग्लादेश के साथ है। बात करूं मैं की प्लेयर्स की, तो बांग्लादेश के जो की प्लेयर्स इस मैच में रहेंगे, सबसे बड़ा प्लेयर ही इस मैच का रहेगा साकिब उल हसन। नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे ये कंफर्म कर चुके हैं तमीम, तो वहीं पे 10 ओवर का बॉलिंग का कोटा आपको देंगे। इससे बड़ा आपको एडवांटेज क्या हो सकता है? और वनडे मैच में नंबर 3 की पोजीशन सबसे ज्यादा क्रूशियल होती है, अच्छा गेम टाइम उनको मिलेगा। हमने देखा बांग की वर्ल्ड कप 2019 में कितना बढ़िया करके दिखाया उन्होंने, जब नंबर 3 पे मौका मिला रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पे थे रन बनाने में। तो साकिब वैसे ही फॉर्म जारी रखना चाहेंगे, बांग्लादेश भी उनसे कुछ ऐसी उम्मीद कर रहा होगा। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मैच विनर बांग्लादेश के लिए इस मैच में है वो है मुस्तफिजुर रहमान। उनकी जो डेथ बॉलिंग है या फिर स्ट्रेट बॉलिंग आपका कह सकते हैं कि पावर प्ले में जो गेंदबाजी, वो बहुत अहम है। उनके जो जोड़ीदार होंगे, किसके जोड़ीदार? साकिब उल हसन के महमूद, आपका मेहंदी हसन मिराज बहुत अहम है, वो भी लो डाउन द ऑर्डर थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं, विकेट्स बहुत क्रूशियल टाइम पे चपका चटकाते हैं। तो तीसरे की प्लेयर मैं बोलूंगा हो गए बांग्लादेश से, तमीम और मुशफिकुर रहीम का जो एक एक्सपीरियंस है वो भी बहुत हैंडी होने वाला है बांग्लादेश के लिए। श्रीलंका पे आ जाए तो श्रीलंका का दारोमदार होगा उनके नए कप्तान कुशल परेरा के ऊपर काफी ज्यादा। कुशल मेंडिस बहुत अनुभवी हो चुके हैं लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है, उन्हें भी थोड़ा दिखाना होगा। हाँ, जो सबसे बड़ा प्लेयर हो सकता है इस मैच में वो वानिदु हसरंगा हो सकते हैं। बहुत बढ़िया लय में है और बहुत बढ़िया लिमिटेड ओवर प्लेयर हैं, लो डाउन द ऑर्डर, अच्छी बैटिंग करते हैं और कमाल के गेंदबाज हैं। उनके साथ सुरुधाना वो रोल साथ के साथ अदा कर सकते हैं। उन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि वानिदु हसरंगा लेग स्पिनर है तो वहीं पे सुरुधाना लेफ्ट आर्मर पेसर है। उन पे डिपेंड रहेगी बल्लेबाजी में, दोनों कुशल एंड कुशल के ही जिम्मे रहेगा सारा का सारा दारोमदार। एक जो इंक्लूजन है, जो कंफ्यूजिंग इंक्लूजन फाइनल 11 का है, वो साकिब
सॉरी आपका सौम्य सरकार और मोहम्मद मिथुन का है कि किसको लिया जाए। अगर बैटिंग हैवी जाना चाहता है बांग्लादेश तो ऑब्वियसली मोहम्मद मिथुन को मौका मिलेगा, नंबर 5 बैटिंग करेंगे। लेकिन अगर मोहम्मद मिथुन से अलग देखता है और एक बॉलिंग ऑप्शन और ऐड करना चाहता है तो फिर सौम्य सरकार को वो मौका मिल सकता है। फिनिशर का रोल अदा आजकल करने लगे हैं और कुछ ओवर्स भी दे सकते हैं बांग्लादेश को क्रूशल जंक्चर पे, तो वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बात करें हम रिस्की प्लेयर्स की, इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में कौन से प्लेयर बहुत रिस्की हो सकते हैं, जहां आपको देखना होगा कि ग्रैंड लीग हमें कौन प्लेयर निकल के ले जा सकते हैं। अब देखिए साकिब उल हसन का सिलेक्शन रेशियो है 90%, और जो 90% ले रहे हैं वहां से 90% लोग उनको कैप्टन बना रहे हैं, मतलब ओवरऑल लगभग 80% लोगों के कैप्टन साकिब उल हसन होंगे। साकिब उल हसन अगर फेल हो गए तो फिर क्या, कौन कैप्टन, किसको रिस्की प्लेयर्स की कैटेगरी में आप डालेंगे? तो आप दांव खेल सकते हैं लिप्टन दास पे, आप दांव खेल सकते हैं रहीम पे, आप दांव खेल सकते हैं मोहम्मद सैफुद्दीन पे, बहुत बढ़िया डेथ ओवर बॉलर है मैंने बताया, क्योंकि बीपीएल में मैंने देखा उनको विकेट चटकाने की नैक है उनकी। उसके अलावा आप वानिदो हसरंगा की तरफ देख सकते हैं, आप दसुन सनगा की तरफ देख सकते हैं, आप धनंजय डिसिल्वा की तरफ देख सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूं। अब देर ना करते हुए स्मॉल लीग टीम की तरफ चलते हैं, स्मॉल लीग टीम इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में क्या होने वाली है। लेकिन स्मॉल लीग खेलनी कहाँ है, स्मॉल लीग आपको खेलनी है 1 to 11 ऐप पर। ऐप का आइकॉन आपको दिख रहा है, मेरा रेफरल कोड आपको दिख रहा है। जब आप वो डाउनलोड करेंगे ऐप तो गूगल से सीधा कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उठाइए सीधा डाउनलोड करिए। साइन अप करते समय मेरा रेफरल कोड डालना ना भूलें, उससे होगा कि आप मेरे नेटवर्क में आ जाएंगे, मेरी मेंटरशिप का आपको फायदा मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, 3 to 4 way इनकम है इसमें, नेटवर्किंग का है, आपके रेफरल से जो लोग जुड़ेंगे उनके थ्रू आप कमा भी सकते हो। लूडो बहुत जल्दी आने वाला है इस ऐप में, तो अगर मैचेस नहीं भी होते तो भी आप डेली एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। अगर आपको लूडो अच्छे से खेलना आता है, आपको स्नैक एंड लैडर अच्छे से खेलना आता है, तो आप बढ़िया इनकम डेली बेसिस पे कर सकते हो। नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर या इसमें जुड़ जाएगा तो प्लीज ये आपके लिए पहले से ज्यादा बेनिफिशियल हो गया, आप कर लीजिए। स्मॉल लीग टीम देखते हैं, सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर स्मॉल लीग टीम। कुशल परेरा मेरे अकेले विकेट पर रहेंगे, हालांकि ऑप्शंस मेरे पास बहुत थे, नेल्सन टिकवेला मेरे पास ऑप्शन थे, मेरे पास रहीम है, लिप्टन है और कुशल परेरा, मतलब चाहो तो आप चारों विकेट कीपर भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक चॉइस के साथ गया, कारण कि मुझे ज्यादा ऑलराउंडर्स लेने थे। 3 बैट्समैन तमीम इकबाल, कुशल मेंडिस, मोहम्मद मिथुन। अगर मोहम्मद मिथुन की जगह सौम्य सरकार खेलेंगे तो हम सरकार के साथ जाएंगे। 4 ऑलराउंडर, चारों ही मुझे लेने थे, मुझे दसुन सनका को रहना रखना था, भाई बहुत अच्छे फिनिशर है और कुछ ओवर भी डाल के दे देते हैं। ईशु रोजाना को रखना है क्योंकि डेथ में 5 ओवर इनके पक्के हैं, विकेट वहीं से निकलते हैं। वानिदो हसरंगा मैं बता चुका हूँ बहुत बढ़िया लेग स्पिनर है और लोअर डाउन द ऑर्डर बहुत बढ़िया बैट्समैन भी है, तो इनको आप आउट स्मार्ट नहीं कर सकते, इनको छोड़ नहीं सकते। साकिब उल हसन आपके कैप्टन रहेंगे भैया, स्मॉल लीग टीम बना रहे हैं आप, इनके साथ बिल्कुल जाइए, सेफेस्ट पिक है इस पूरे मैच की साकिब उल हसन। बल्ले से नहीं तो बॉल से नहीं तो फील्डिंग से कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट्स दे देंगे और ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएंगे। रेयर हो सकता है कि ये बॉलिंग में भी ना चले, बैटिंग में भी ना चले और कुछ ना करें मैच में, तो साकिब उल हसन और कैप्टन ऑटोमेटिक चॉइस है स्मॉल लीग के लिए। अब आगे गेंदबाजी में तो दुश्मन था चमीरा, मुस्तफिजुर रहमान और मोहम्मद सैफुद्दीन, 3 ऑप्शंस के साथ जा रहा हूं। क्यों, मुस्तफिजुर रहमान तो आप रखेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, सैफुद्दीन बिल्कुल रहमान की तरह है, गति थोड़ी धीमी है, प्रॉपर बॉलर है, उतना वेरिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी T20 के लिए और लिमिटेड ओवर्स खासकर वनडे मैचेस T20 मैचेस के लिए बहुत उपयुक्त है, थोड़ा बल्ला भी चलाना जानते हैं, तो अहम पिक है। दुश्मन चमीरा को मैंने लिया है थोड़ा सरप्राइज पिक के तौर पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जाएंगे मेहंदी हसन मिराज के साथ या फिर अकीला धनंजय के साथ, लेकिन मैं दुश्मन था चमीरा के साथ जाऊंगा। चमीरा का भी वो एक हैबिट है कि पावर प्ले में कभी कभी 2-3 विकेट बहुत सही निकाल ले जाते हैं या फिर डेथ में आपका काम कर जाएंगे, तो ऑल इन ऑल एक बढ़िया आपके लिए पिक रहेगी। फिर भी आपके पास 1.5 पॉइंट बचा है, आप कहीं कोई बदलाव करना चाहते हैं, किसी ऑलराउंडर को चेंज करना चाहते हैं या किसी गेंदबाज को चेंज करना चाहते हैं, आपके पास प्रॉपर और उपयुक्त पॉइंट है, आप चेंज कर सकते हैं, आप उसके लिए इंडिपेंडेंट फ्री है। इस टीम में और बदलाव की गुंजाइश ज्यादा नहीं है क्योंकि बैटिंग में आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन है,
आपके पास या तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं विकेट कीपिंग में, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं आपका ऑलराउंडर स्लॉट में। क्योंकि ऑलराउंडर है भी मैंने ये टीम कर दी, तो विकेट कीपर आप ले नहीं पाओगे। इन दैट केस आप कुशल परेरा की जगह निरोशन डिकवेला को लेना चाहें तो ले सकते हो, मैं नहीं लूंगा। आप कुशल मेंडिस की जगह धनुष्का गुणवत्कल को ले सकते हो, एक ऑप्शन बन सकते हैं वो। मोहम्मद मिथुन की जगह आप मोहम्मद महमूदुल्लाह रियाद के साथ भी जा सकते हो, ये भी एक ऑप्शन बन सकता है। तो आप जो चाहें वो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मेरी टीम यही रहेगी। चलते हैं ग्रैंड लीग टीम की तरफ। अब ग्रैंड लीग पे बात आ जाती है, इस मैच में कौन सी वो टीम हो सकती है जो आपको ग्रैंड लीग जिता सकती है, क्या हो सकता है उस टीम में ऐसा जो आपको ग्रैंड लीग में आगे कर दे। और सबसे बड़ा जो पिक आपको दिखेगा अभी टीम में बता देता हूँ, ये टीम देखिए आप ग्रैंड लीग की, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कि साकिब उल हसन कैप्टन नहीं है। एक रिस्क यही हो गया। अब देखो मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज 80% यूजर 10 में से 8 लोग साकिब उल हसन का कैप्टन के साथ जा रहे हैं, जीतेगा तो एक, तो क्या फिर फायदा है साकिब उल हसन को कैप्टन बनाने का? क्यों ना 20% में रहे, रिस्क लें। अगर साकिब से ज्यादा कोई प्लेयर चला तो आप वहां हो जाएंगे टॉप 20%। रहीम और लिट्टन दास दो मैं विकेट कीपिंग ऑप्शन लेके जा रहा हूं, और सॉलिड बैटिंग ऑप्शन है दोनों। तीन बाय बॉल बैटिंग ऑप्शन महमूदुल्लाह गुणवत्कल और धनंजय डिसिल्वा, तीनों ही सॉलिड है। आप इस टीम को कम मत आंकेगा, और रिस्क भी नहीं है। ये टीम ऐसी है कि ऑल्टरनेट प्लस सेफ टीम है। इसमें ना रहीम पे रिस्क है, ना लिट्टन दास पे रिस्क है, ना रियाद पे रिस्क है, ना कुना तिलका पे रिस्क है, ना है धनंजय डिसिल्वा। और धनंजय डिसिल्वा ओवर भी डालते हैं तो एक, कुछ बैटिंग भी आपको 4-5 नंबर करके जाएंगे तो बहुत यूजफुल प्लेयर हैं। साकिब उल हसन को लेना बनता है, नो डिस्कशन। उदाना हसारंगा की जगह ऑटोमेटिक इस टीम में बनती है, मतलब बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गुंजाइश भी नहीं है। गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान आपका बढ़िया ऑप्शन है। रिस्क कहाँ है? लक्षण सदनकन पे रिस्क है, चमीर आपको लेंगे, धनंजय खेलेंगे तो उनको लेंगे, सदनकन को कम लेंगे। लेकिन सदनकन जो है वो युजवेंद्र चहल काइंड ऑफ बॉलर है, मतलब विकेट आपको निकाल के दे देते हैं रेगुलर इंटरवल पे तो, और फिर इकोनॉमिकल बहुत रहते हैं, इनको मारना बहुत मुश्किल है जिस तरीके की लेंथ ये डालते हैं। इस तरीके से ये आपके लिए काफी यूजफुल हो जाए। तस्किन अहमद का जो है वो ये है कि बहुत ह्यूजली रिस्की प्लेयर में बोलूंगा, कि चलेंगे तो मल्टीपल विकेट्स लेंगे वरना नहीं लेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत महंगे भी साबित होते हैं। लेकिन चूंकि जीएल की टीम बनाने जा रहे हो, और आप ये मान के चलो कि श्रीलंका भी बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, कोई बहुत सेटल टीम लेकर नहीं आ रहा है श्रीलंका, और बांग्लादेश के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो इसलिए तस्किन अहमद को एक थोड़ा सा वेटेज है कि स्टार्टिंग में अच्छा एक स्टार्ट बांग्लादेश को दिला सकते हैं गेंद के साथ, इसलिए मैं तस्किन अहमद का द बॉलर के साथ जा रहा हूँ। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन पे आ गई बात। कैप्टन मेरे उदाना रहेंगे और वाइस कैप्टन मुस्तफिजुर रहमान, दोनों सेम सेम काइंड ऑफ बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, वेरिएशन करते हैं, आपका कह सकते हैं कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, लिमिटेड ओवर स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन फिर उदाना क्यों? वेटेज इसलिए कि उदाना एक तो बैटर फील्डर हैं मुस्तफिजुर से, मैं बहुत बारीकी की बात बता रहा हूँ, डीप में फील्डिंग करते हैं डेथ ओवर्स में, जो क्रूशियल ओवर्स होते हैं जहां पे विकेट्स गिरते हैं वहां उदाना बाउंड्री पे और डीप में फील्डिंग करते हैं जहां मोस्टली कैचेज आते हैं। मुस्तफिजुर ऐसा नहीं करते, मुस्तफिजुर ऐसी जगह फील्डिंग करते हैं, ऐसे प्लेसेस कहां करते हैं कि जहां पे गेंद कम आए, मुस्तफिजुर उतने बढ़िया फील्डर नहीं है। दूसरी बात, बल्ला चलाना जानते हैं उदाना, पर जब एक सेटल बैटिंग यूनिट के बगैर कोई टीम खेल रही है तो चांस मिलेगा, और बल्ला भाजना जानते हैं, मतलब अगर 15-20 बॉल भी मिल गई तो वहां डिफरेंस हो जाएगा। मुस्तफिजुर बैटिंग जीरो, इसलिए मैंने एडवांटेज उदाना को दिया और कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन मुस्तफिजुर रहमान को बनाया। हालांकि आप चाहो तो फिर भी ऑल्टरनेट कर सकते हो इनको, लेकिन मेरे ख्याल में ये बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। इस टीम में जो आप बदलाव करना चाहो, डिकवेला को लेना चाहो ले सकते हो, किसी एक विकेट कीपर की जगह महमूदुल्लाह की जगह तमीम को फिर से ले सकते हो चाहो तो, या गुणवत्कल डिसिल्वा में कोई गुंजाइश है नहीं, फिर भी आप कोई चाहो हसरंगा की जगह शंका के साथ जाना चाहो जा सकते हो, यू आर फ्री। लेकिन मेरे ख्याल में ये 11 प्लेयर आपके बढ़िया ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग। मेरी बात खत्म होती है, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, चैनल पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकॉन दबा के जाइए, अगले मैच की वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले मैच के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता।